सत श्रीकाल, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर तुहाडे नाल रूबरू हो रहा। सो लगातार जिहड़ा इंडस्ट्रियल सिटी लुधियाना दे विच एग्जीबिशनस दा दौर शुरू हो चुका हैगा। सो गमसा एक्सपो, जी हाँ, गमसा एक्सपो जिहड़ी हैगी आ, 6वीं गमसा एक्सपो भी शुरू हो चुकी है। अज पहला दिन हैगा, सो असीं पहुंचे हां गमसा एक्सपो ते कि कौन उद्घाटन कर रहा है, कौन कौन इत्थे इस वारी स्टॉल लगाए ते की अपग्रेडेशनस जिहड़ी हैगी आ हौजरी ते टैक्सटाइल इंडस्ट्री नूं लैके आई है। सारी जानकारी लैण लई आओ, मैं तुसीं इकट्ठे मिलके एक रूट करदे हां गमसा एक्सपो दा, वक् वक् बंदियां नाल मिलदे हां ते जानदे हां की अपग्रेडेशन लई लॉन्च होया। हाँ जी नरेंद्र जी, 2 साल बाद एग्जीबिशन लगभग लग रही है, सो कितना दी अपग्रेडेशन आई हैं इस बारी, लोगों को कितना दा पसंद कर रहे हो? जिहड़ी गमसा एक्सपो है ये पंजाब की सब तो बड़ी एग्जीबिशन हैगी है। पिछले 1 साल कोविड के कारण खराब होया, पिछले साल लग नहीं पाई जी, तो इस 2 साल के हूँ जिनी भी डिवेलपमेंट हुई है वह हूँ तकरीबन इस एग्जीबिशन के तकरीबन सारे शो कर रहे हैं, तो लोगों जिन्हें साडे कस्टमरस आ जां होर जिन्ने भी साडे हैगे आ आने वाले जिहड़े विजिटर आ उन्होंने बड़ी उम्मीद है कि मतलब कि इस एग्जीबिशन तो बड़ा फायदा होएगा, टेक्नोलॉजी भी नवी देखने को मिलेगी, तो होर भी जिनी अपग्रेडेशन हैगी आ जां कोई नवे प्रोडक्ट्स भी आ गए आ जिहड़े फैब्रिक दे विच वो भी उन्होंने देखने मिलेंगे। तो मैनू बड़ी उम्मीद है कि इस एग्जीबिशन दे नाल अपनी जिहड़ी इंडस्ट्री पिछले 2 साल तो स्टक हुई हुई सीगी उन्हें बहुत ज़्यादा एडवांटेज होएगा। नरेंद्र जी कह रहे हैं लुधियाना तो बहुत सारा बिजनेस शिफ्ट होकर चला गया पानीपत, ईवन अमृतसर तो भी, सो कितना देखते हो कि लुधियाना दे विच आपां एग्जीबिशन लगाने हैं, पानीपत भी अलग एग्जीबिशन लगनिया शुरू हो गई हैं, सो ये कितना देखते हो? जिहड़ा पानीपत, एक्चुअली पानीपत जिहड़ा हैगा ना, पानीपत दे विच बहुत सारा बिजनेस शिफ्ट नहीं कह सकते लेकिन डिवेलप होया, उही प्रोडक्ट अपने लुधियाने वाले भी बनाते पे आ, उही प्रोडक्ट पानीपत, लेकिन पानीपत दे विच मशीनां दोनों जगह आपां ही बेच रहे हैं सारे मतलब यही मशीनरी का मैटर डिफरेंट हैगा, लेकिन उन्हों का अपना सिस्टम हैगा काम करन दा, लेकिन जिहड़ी फर्निशिंग की जिहड़ी हैगी है ना, जिहड़ी होम फर्निशिंग की मार्केट है वह हुण जिहड़ी मेन हैगी है वह पानीपत दे विच बन गई। मैं यही पूछना चाहता सीगा कि लुधियाना जिहड़ा कि हब है मैनुफैक्चरिंग का इन्ने साल तो मैनचेस्टर भी कहा जाता, वह लुधियाना क्यों नहीं डिवेलप कर पाया जबकि मशीनरी पहले इतने अवेलेबल सी? देखो जिहड़ी ये चीज़ है ना, ये सिर्फ मशीनरी तो नहीं डिवेलप करती, जो कि मेरी समझ हैगी कि मशीनरी तो नहीं डिवेलप करती, उसके लिए थोड़ा जिहड़ियां लोकल फैसिलिटीज़ है ना वो भी होनी बड़ी जरूरी है। ओके, हुण जिहड़ी ब्लैंकेट की डिमांड है, देखो ब्लैंकेट की डिमांड ज़्यादा तो ज़्यादा बाहर ठंडे इलाकों हैगी है या कैलकटा भी समझ लो या होर भी जगह पर हैगी है। एक्चुअली अगर आप किसी चीज़ को डिवेलप करना ना वो फिर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना ही चाहिए। हूँ जिहड़ा कस्टमर साडा दिल्ली आता है, दिल्ली तो अगर लुधियाने आता तो एक दिन खराब होता है, हूँ जो उही चीज़ उन्होंने दिल्ली के अवेलेबल हो जाए या पानीपत के अवेलेबल हो जाए तो सब तो ज़्यादा प्रैफर करता कि मैं उतो ही लै जाऊँ, नीयरेस्ट मार्केट नीयरेस्ट मार्केट के, फिर वो ज़्यादा नहीं मतलब कि एड्डी दूर आके राजी नहीं है इस चीज़ के बारे, मेरे ख्याल के ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल ठीक है। फिर सैकेंड रीज़न ये है कि जिहड़ा पानीपत के जिन्हें भी यूनिट होम फर्निशिंग वगैरह के लग रहे हैं ना वो बहुत बड़े लगते पे हैं। ओके, उन्हां दी जिहड़ी स्टार्टिंग है ना वो स्टार्टिंग हैगी है बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी के नाल, जिवें 20 टन 30 टन डेली की प्रोडक्शन है, उन्होंने मास प्रोडक्शन से फोकस किया, पंजाब के या लुधियाना के अज भी मास प्रोडक्शन से फोकस नहीं कर रहे, जेडे अपने लुधियाना के ज़्यादा जेडे कस्टमर का जेडे मैनुफैक्चर जेडे कि इस लाइन के है वो एक ही यूनिट तो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी हर चीज़ की, लेकिन उत्थे हुण अजकल पानीपत दे विच चाइना स्टाइल हो गया, वो की करते पे आ कि एक यूनिट लगाते हैं उस ही चीज़ के स्पैशलाइजेशन प्रोडक्ट फोकस उस प्रोडक्ट फोकस करता, तो इस कारण जो प्रोडक्शन वधाते हैं तो वो कॉस्टिंग बड़ी घट हो जाती है जी, ये कॉस्टिंग का भी बड़ा इफेक्ट आ कि अज की तरीक जो कॉस्टिंग पानीपत तो मिलती वह अपने लुधियाने वाले दे नहीं पाते एक्चुअली। ओके, वो इस कारण पिछले थोड़ी नहीं उन्होंने फिर सेल का भी कह रहे थे कि पानीपत ने कहीं ना कहीं शायद फिनिशिंग इंडस्ट्री से चाइना को भी फेल करता कि मतलब कंपीटिशन देने लग पे, कि ये भी गल सच्ची है? नहीं, ये गल बिल्कुल सही है, क्योंकि कारण यह है कि पहला जेडे कुछ प्रोडक्ट सिर्फ चाइना तो आते सी या एक ड्रीम सिगा कि मतलब कि हिंदुस्तान दे विच ये चीज़ डिवेलप भी हो जाएगी, आज जो चाइना दे विच ब्लैंकेट क्लाउड फनैनल या रैबिट फर वगैरह जिहड़ी या फिर तुसी उसके लिए हॉलैंड वेलवेट वाले जिहड़े कपड़े हैगे जिहड़े अजकल हिंदुस्तान च बनते जो क्वालिटी अज हिंदुस्तान ने बना ली है उसके 100% चाइना फुल कॉम्पीटिशन हैगा। अच्छा जी, लेकिन चाइना क्योंकि बहुत बड़ा मैनुफैक्चर है उसको एडवांटेज है, उन्होंने बहुत इंटरनेशनल मार्केट है, मास प्रोडक्शन है, बहुत सारी क्वांटिटी है, हाले हिंदुस्तान इस स्टेज से क्वालिटी पहुँच गया, क्वांटिटी भी हौली हौली पहुँच जाएगा जिदे इन्हों भी एडवांटेज होएगा अगर गवर्नमेंट सपोर्ट कर दी है जी। अपने
अच्छे बेनीफिट्स देती है। तो मेरा ख्याल आने वाले दिन हिंदुस्तान पानीपत चाहे लुधियाना भी हो बिल्कुल ठीक चाहे सूरत या गुजरात भी हो सारा हिंदुस्तान हर जगह एक्सपोर्ट कर सकता वर्ल्ड के ओके ये मेरी अपनी सोच हैगी और मैं ही गवर्नमेंट को कहूँगा चलो ज़्यादा तो ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए। पहला दिन आज गमसा एक्सपो का कि फुटफॉल रहा नहीं बहुत अच्छा रहा इस अकॉर्डिंग टू एक्सपैक्टेड बहुत कस्टमर विजिट करते पे आ इस वेले देखो पानीपत तो कस्टमर इतने काफ़ी विजिट किए आ जलंधर तो इतने किए अमृतसर तो विजिट किए हूँ बाकी कल सैटरडे और संडे थोड़ा हॉलीडेज है तो होर भी कस्टमर जोड़े कि बहुत कस्टमर तकरीबन आने की उम्मीद हैगी। थैंक यू। तो दोस्तों ये गमसा एक्सपो का पहला दिन है जिते कि बथेरे एग्जीबिटर्स ने हर एग्जीबिटर उत्साहित नज़र आया उन्होंने दसिया कि वक्त वक्त जोड़े है साढ़े को बहुत सारे लोग पहुँच रहे हैं और बहुत लीड्स जनरेट हो रही हैं। फिलहाल लीड्स किन्नी कन्वर्ट होंगी हैं ये देखना पड़ेगा पर गमसा एक्सपो के जोड़े उम्मीद तो वह पहले दिन रिस्पोंस होने करके जोड़े जिन्हें भी एग्जीबिटर्स है उन्होंने चेहरे खिले हुए हैं और हर बंदा अपने अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर रहा है। इदा ही वक् वक् मुद्दे रूबरू होंगे रहेंगे देखते रहो बने रहो जाने तेजी धन्यवाद।